बीजेपी का कुनुम्बा उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। वहीं पूर्व में बद्रीनाथ विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र भंडारी ने बीते दिन दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली, जिसके बाद राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिस तरह से देश में विकास हो रहा है, उससे प्रभावित होकर भाजपा में उन्होंने सदस्यता ली है। मंत्री जी, अमित शाह जी और पार्टी के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई है। और निश्चित रूप से मोदी जी के जो सपने हैं, एक मजबूत भारत का निर्माण करना और उनका जो नेतृत्व क्षमता है, उससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। और मोदी जी ने देश की प्रगति करने का, विकास करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, करोड़ों लोग आज उनकी राह ताक रहे हैं कि किस तरह से देश प्रगति कर रहा है, उन्नति के पथ पर जा रहा है और आम लोगों को जो सुविधा हो रही है, विकास हो रहा है, उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप जो है मंत्री बात को और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के ब्यूरो के उत्तराखंड से राव शफात। राव शफात, देखिए जिस तरह से अब चुनाव नजदीक है, दल बदल का एक दौर देखने को मिल रहा है, अब बीजेपी का कुनुम्बा भी बढ़ता नजर आ रहा है, तमाम इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए आरती, पिछले अगर दो दिनों पर नजर डालें, 48 घंटों पर नजर डालें, तो एक राजनीति में नाटकीय समीकरण उत्तराखंड के अंदर हुए। और इस टाइम पीरियड की अगर बात करें तो सीधे तौर पर यहां कांग्रेस को सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा है। दो पूर्व विधायक और एक हालिया विधायक, ये तीनों पार्टी को छोड़ चुके और बीजेपी में शामिल हो गए। हालिया विधायक की अगर बात करें तो राजेंद्र भंडारी हैं, बद्रीनाथ से विधायक रहे हैं कांग्रेस के, अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं और दिल्ली में उन्होंने ज्वाइनिंग की है। हालांकि उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि जब उन्होंने दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन की तो उससे पहले वो अपना इस्तीफा दे चुके थे और इस्तीफे के आधार पर जो प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा और दल बदल के तहत उनकी सदस्यता खत्म करने की अनुरोध किया, तो उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है। दूसरा, जो पूर्व विधायक थे, मालचंद है उनमें और विजय पाल सजमान है, तो ये भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। यानी बड़े जो चेहरे हैं कांग्रेस के, वो पिछले दो दिनों के भीतर भीतर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब इसी को लेकर के कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने कहा है कि जो चरित्र वाले, अच्छे चरित्र वाले लोग हैं, यानी कि कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और हो सकता है कि राजेंद्र भंडारी के ऊपर दबाव हो, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही है और उनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के केस भी चल रहे थे, तो शायद इस वजह से राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन करण मारा का ये भी कहना है कि जो आम कार्यकर्ता है, अब वो उत्साह के साथ बाहर निकलेगा और देखना यह है कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है या फिर उसका जो वॉशिंग पाउडर है, वो अब और कितने नेता बीजेपी में शामिल होते हैं। तो इस तरह से कटाक्ष कांग्रेस ने किया, लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त कांग्रेस में चुनौती है, कांग्रेस के भीतर चुनौती है। सबसे पहला तो कि लोकसभा के चुनाव है, चेहरे नहीं मिल पा रहे हैं इतने बड़े। दूसरा कि जो पार्टी को छोड़कर के लोग जा रहे हैं, उसमें हालिया विधायक भी शामिल है, पूर्व विधायक भी शामिल है, बड़ा वजूद राजेंद्र भंडारी का माना जाता था, वो भी पार्टी छोड़ चुके। और सबसे बड़ी बात है, राजेंद्र भंडारी वो नेता है, जब 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार गिरी थी तो उस वक्त 9 विधायक टूट करके गए थे, लेकिन राजेंद्र भंडारी को भी कहा जाता है कि उनको भी अप्रोच किया जा रहा था, लेकिन राजेंद्र भंडारी नहीं गए थे। उसके बाद सरकार बच गई थी, फ्लोर टेस्ट हुआ था तत्कालीन हरीश रावत सरकार का, और तब उनको एक सौगात दी गई थी, उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया था। उसके बाद क्योंकि हरीश रावत गुटके माने जाते हैं, राजेंद्र भंडारी और काफी करीब रहे हरीश रावत के, उसके बाद चुनाव हार गए थे वो, क्योंकि जब बीजेपी का चुनाव हुआ 2017 में तो वहां से महेंद्र भट्ट चुनाव जीते थे, लेकिन 2022 में एक बार फिर से राजेंद्र भंडारी ने वापसी की और महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष है इस वक्त बीजेपी के, उनको हरा दिया था, तो बड़ा चेहरा इनको माना जाता था। लेकिन अब कांग्रेस के भीतर जिस तरह की गुटबाजी चल रही है, सामने आ रही है, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के सामने और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, देखिए जब चुनाव नजदीक होते हैं तो इस तरह की गतिविधियां होती भी हैं, और जाहिर सी बात है कि जब एक नेता एक दल को छोड़कर दूसरे दल में गया है तो आरोप प्रत्यारोप भी होंगे। लेकिन अब क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में कहा जाता है कई बार नाराजगी भी होती है, कुछ लोग दावेदार भी होते हैं, इस लिहाज से आने वाले दिनों में भी इसी तरह से दल बदल हम देख पाएंगे, उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें इसमें? बिल्कुल, देखिए चुनाव के दौरान इस तरह का सिलसिला चलता है, जब एक दूसरी पार्टी में लोग शामिल होते हैं
और सबसे बड़ी बात है देखिए, अलग अलग क्योंकि महत्वाकांक्षाएं होती हैं नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, टिकट को लेकर के सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षाएं होती हैं, दूसरा पदों को लेकर के महत्वाकांक्षाएं होती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि चुनाव के दौरान में ही अंतरात्मा जागती है नेताओं की। नेता हमेशा जब किसी और पार्टी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि उनकी अंतरात्मा जाग गई है। तो ऐसा कैसी अंतरात्मा है कि जो चुनाव के दौरान ही जागती है, ये सवाल जनता भी करती है। अब देखिए कि बद्रीनाथ से जिस विधायक को जिता करके जनता ने भेजा, ये आरोप विपक्ष के भी है कि आप जनता उनसे सवाल पूछेगी कि आपको वोट दिया गया था, आपको जिताया गया था और आपने क्या किया, पार्टी बदल दी। तो इस तरह की जो भी दल बदल की राजनीति है वो चुनाव के दौरान में, वो चाहे स्टेट के चुनाव हो, असेंबली चुनाव हो या फिर जो केंद्रीय चुनाव हो उनके, तो उस दौरान ये नजर आती है। और इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह से इस वक्त पार्टी के टूटने का सिलसिला लगातार चल रहा है कांग्रेस के भीतर, तो और कुछ बड़े नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि यही दौर फिर से देखने को मिल रहा है। चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसी स्थिति अमूमन देखी जाती है। बहुत शुक्रिया राव शफा, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।